Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you will be fine. Students, today we are going to start lecture number 13. This is the subject of social studies. Students, today we discuss about unit number 4. This unit name is communication and transport. Students, communication means ways of keeping in touch with someone else. कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसा वे जिसके साथ हम टच में रहते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, लोगों के साथ, कोई भी इवेंट पेश आए उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में के साथ टच में रहने को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स टेक अ कैरी ऑफ गुड्स आर पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बाई व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि चीज़ों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना डिफरेंट वे से, मतलब ट्रेन के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए। ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट इन दिस लेक्चर सम अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज रेडियो। रेडियो इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। द रेडियो इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो जो है बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट मीन है कम्युनिकेशन का। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक, न्यूज़ हम सुन सकते हैं रेडियो से, म्यूज़िक सुन सकते हैं, खबरें सुन सकते हैं, स्पीचेस सुन सकते हैं, प्लेस खेलों के बारे में जान सकते हैं, एंड कमेंट्रीज ऑन गेम्स ऑन द रेडियो, और रेडियो पर जो खेलों के बारे में कमेंट्री हो रही होती है वो सुन सकते हैं। वी कैन गेट टू नो अबाउट न्यूज़ इवेंट्स एज दे हैपन, और हम जान सकते हैं, ठीक है, कि न्यूज़ में जो वाक़यात पेश आते हैं, कैसे पेश आए, उनके बारे में जान सकते हैं। देर आर रेडियो स्टेशंस ऑल ओवर द कंट्री। पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा रेडियो स्टेशन है, ठीक है। देर आर रेडियो स्टेशन, पूरे कंट्री में रेडियो स्टेशन मौजूद हैं। प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेज आर ब्रॉडकास्ट बाय द पाकिस्तान। जो प्रोग्राम हैं वो इंग्लिश में, उर्दू में, और जो अलकाई ज़बानें होती हैं जिस इलाके में जिस तरह की ज़बानें बोली जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी, ठीक है, आर ब्रॉडकास्ट, वो नशर किए जाते हैं प्रोग्राम्स बाय द पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान का एक चैनल है नशरियाती कॉरपोरेशन, उसके थ्रू ये प्रोग्राम किसी भी ज़बान में, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, या अलकाई ज़बानों में नशर किए जाते हैं, एंड बाय इंडिपेंडेंट रेडियो चैनल्स लाइक एफएम, और एक आज़ाद चैनल जो है वो कौन सा है, लाइक एफएम, उसके थ्रू इन सारे प्रोग्राम्स को डिफरेंट जो लैंग्वेज हैं इसमें नशर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंध, गुजराती एंड अदर लोकल लैंग्वेज। पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर हैं वो शाया होते हैं उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, सिंधी में, गुजराती में, और दूसरी जो लोकल, जो आम ज़बानें हैं उनमें, ठीक है। सम आर पब्लिश्ड एवरी डे एंड अदर्स कम आउट वीकली। कुछ जो हैं न्यूज़पेपर वो हर रोज़ शाया हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो वीक के बाद आते हैं, ठीक है। वी आल्सो हैव अ नंबर ऑफ़ मैगज़ीन्स, और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मैगज़ीन्स मौजूद हैं, रसाला जात मौजूद हैं। सम कम आउट एवरी वीक एंड अदर्स आर प्रिंटेड फॉर नाइटली आर मंथली। कुछ जो रसाले होते हैं वो हर वीक हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो 15 दिन के बाद या महीने के बाद हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। Many magazines and newspapers make some or all of their articles available online. बच्चों, जो magazines और newspaper में ज़्यादातर articles, जितना भी मवाद होता है वो लोग क्या करते हैं, उसको online अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ताकि लोग online भी इस मवाद से फ़ायदा उठा सकें, इस article से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। The online content can be updated throughout the day. जो ऑनलाइन मवाद होता है वो, जिसको अपलोड करते हैं वो, ये काम सिर्फ एक दिन में कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टेलीफोन्स। मिलियंस ऑफ कॉल्स आर मेड एवरी डे। लाखों की तादाद में हम कॉल करते हैं हर रोज़। फ्रॉम पाकिस्तान यू कैन मेक अ टेलीफोन कॉल टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। हम पाकिस्तान से कॉल कर सकते हैं
टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क में हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। विद द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ सेलुलर और मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम कॉमन। जो सेलुलर, जो हमारा सेल फोन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा आम हो गया है। सेल फोन्स आर पॉपुलर विद यूजर्स बिकॉज दे कैन बी कैरियड ईजीली। जो सेल फोन्स है, जितने भी यूज़र्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं सेल फोन्स को, उनमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, पॉपुलर हो गया है, मशहूर हो गया है, बिकॉज दे कैन बी कैरीड ईजीली, क्योंकि वो इसको ईजीली ले सकते हैं, ठीक है। दे हैव मैनी इंटरेस्टिंग फीचर्स, इसके बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं सेल फोन्स के, एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड टेक्स्ट। हम इसको यूज़ कर सकते हैं मैसेज सेंड करने के लिए, पिक्चर्स सेंड करने के लिए, ऑडियोस। जिस तरह बच्चों आप आजकल क्लासेस ले रहे हो, तो अपने सेल फोन्स पे आप किस तरह इजीली सारे काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम सेल फोन्स को मैसेज सेंड करने के लिए, पिक्चर्स सेंड करने के लिए, ऑडियो मैसेज के लिए, वीडियो मैसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट सेल फोन्स कैन आल्सो बी यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। कुछ जो सेल फोन्स हैं उनको हम इंटरनेट पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, नेट जब चलाते हैं तो किस, फिर क्या करते हैं, सेंड ईमेल्स एंड वॉइस मैसेज। हम मेल जो है वो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं, एंड टू टेक फोटोग्राफ ग्राफ्स और पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, न्यू मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स आर बीइंग डेवलप्ड। उन्होंने कहा जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो जदीद होती जा रही है, और ज़्यादा नए मॉडल्स आ रहे हैं कंप्यूटर्स के भी और फ़ोन के भी। आप लोग रोज़ सुनते होंगे कि रोज़ बता रहे होते हैं आज ये वाला मोबाइल न्यू आ गया है, आज ये वाला कंप्यूटर जो है ये न्यू आ गया है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो क्या है, स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है। लैपटॉप्स कैन बी यूज विदाउट बींग प्लग्ड इन। अब उन्होंने कहा है जो कंप्यूटर है वो अब जो कंप्यूटर आ गया है वो स्मॉल है, कम्पैक्ट है, लेकिन जो लैपटॉप्स हैं उनको हम विदाउट बींग प्लग्ड इन, मतलब कि कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हमें वो यूज़ करने के लिए पहले उसको चलाना पड़ता है, उसका स्विच लगाना पड़ता है। लेकिन जो लैपटॉप है, अगर हम उसकी बैटरी चार्ज कर लें तो हम उसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं और ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इवन स्मॉलर कंप्यूटर्स डेट फिट इन योर हैंड्स आर कॉल्ड टैबलेट्स। बच्चों जो टैबलेट्स हैं वो क्या है, स्मॉल कंप्यूटर है। उसको टैबलेट आप लोगों ने देखा ही होगा, मोबाइल टाइप का जो होता है, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होती है, उसको क्या बोलते हैं, टैबलेट। तो वो क्या है, उन्होंने डेट फिट, वो हमारे हाथ में भी आ सकता है और हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं और ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी वेज पड़े हैं ये कम्युनिकेशन के वेद हैं, और इनके थ्रू हम इजीली जो हैं वो टच में रह सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, किसी के साथ, ठीक है, किसी के भी साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।